Okay, let's shall start the topic. Our topic is what? Influence of promoter and poison. Okay, हमारे टॉपिक का नाम क्या है? Influence of promoter and poison. अब देखिए, influence का मतलब क्या हो गया? किसी के प्रकोप में आ जाना, ये बात तो आप लोग बेहतर जानते हैं ना. अब टॉपिक का नाम है influence of promoter and poison. तो होता है क्या कि अब कोई enzyme अगर प्रोमोटर के इन्फ्लुएंस में आएगा तो उसकी कैटेलाइसिस क्या होगी? बढ़ेगी. अगर कोई एंजाइम पॉइजन के इन्फ्लुएंस में आएगा तो उसका कैटेलाइसिस क्या होगा? घटेगा, डिक्रीज करेगा. क्लियर हुआ? एक चीज़ हमेशा याद रखना है, फॉर कैटेलिस्ट, क्या याद रखना? फॉर कैटेलिस्ट पॉइजन इज ऑल्सो नोन एज इनहिबीटर. इनहिबीटर फॉर कैटेलिस्ट पॉइजन इज ऑल्सो नोन एज वॉट? इनहिबीटर. कैटेलिस्ट के लिए पॉइजन क्या होगा? इनहिबिटर होगा. ये बात क्लियर हो गया? तो लिखेंगे इस बात को, फॉर कैटलिस्ट पॉइजन एक्ट एज, फॉर कैटलिस्ट पॉइजन इज ऑल्सो नोन एज इनहिबिटर. ओके, फॉर कैटलिस्ट पॉइजन इज ऑल्सो नोन एज इनहिबिटर. फॉर कैटलिस्ट पॉइजन इज ऑल्सो नोन एज वॉट? इनहिबिटर. कैटलिस्ट के लिए हम लोग पॉइजन को क्या बोलेंगे? इनहिबिटर बोलेगा. इनहिबिटर हम किसको कहते हैं? जो किसी भी चीज़ को इनहिबिट करता है. इनहिबिट का मतलब क्या हो गया? इनहिबिट का मतलब होता है रोकना. एक्चुअली एक प्रोसेस होता है इनहिबिशन, रोकने के प्रोसेस को ना इनहिबिशन कहते हैं. तो इनहिबिट का मतलब क्या हो गया? इनहिबिट का मतलब हो गया किसी भी चीज़ को क्या कर देना? रोक देना. इतना बात क्लियर हो गया? इसमें तो कोई कन्फ्यूजन हमको नहीं लगता कि आप लोग को होना चाहिए. ठीक है, तब याद रखना है कि कैटलिस्ट में पॉइजन को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो, इनहिबिटर कहेंगे. तब एक बात बताओ, जब हम लोग जब हम लोग कैटलिस्ट पढ़ रहे थे, वहाँ पर मैंने आपको प्रोमोटर के बारे में बताया था. जैसे हैबर्स प्रोसेस में मोलिब्डियम MO वो किसका काम कर रहा था? वो किसका काम कर रहा था? प्रोमोटर का. आपको हैबर्स प्रोसेस में मैंने बताया था कि एक्चुअली जब N2+H2 रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन तो बनता है क्या? अमोनिया NH3. बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे और यहाँ पर क्या लगाएंगे? यहाँ पर 3 लगा दें. क्लियर हुआ? इस तरीके से अमोनिया बन के तैयार होता है. और मैंने बताया था इसके लिए स्पेशल टेम्परेचर चाहिए 773 केल्विन, स्पेशल प्रेशर चाहिए 200 bar पर द पी ब्लॉक में. लेकिन एक बार बताएं, इस रिएक्शन को और 4 चांद लगा देता है कौन? जब इसमें मोलिब्डियम आ जाता है, इट मीन्स MO. समझ लो ना मेरी बात, हम क्या बता रहे हैं. तो अब यहाँ पर क्या है, ये जो MO है ना, वो काम कर रहा है किसका? प्रोमोटर का काम कर रहा है. और वो इस रिएक्शन के स्पीड को इनहेंस कर देता है. इट मीन्स होता है क्या, इन पॉल्यूटेड एयर, अगर हम पॉल्यूटेड एयर की बात करें तो पॉल्यूटेड एयर में बेसिकली 2 चीज़ होगा. क्या चीज़ होगा? मेरी बात को ध्यान सुनेंगे. जैसा कि हमको पता है कि पॉल्यूटेड एयर में ना कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट क्या होता है? बढ़ा हुआ रहता है. ज़्यादा नहीं रहता, बढ़ा हुआ रहता है. हाँ वही कह ले. एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं ना, मतलब हम लोग सांस लेते हैं, तो एयर के साथ साथ लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड मेरे लंग्स में चला जाता है. और वो होता है क्या, लंग्स का जो एल्विओलाई होता है, एल्विओली होता है ना जी, जहाँ गैसेस एक्सचेंज होता है, उसमें एक्सचेंज होना चाहिए ऑक्सीजन को, और हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन, वजह जानते हो क्यों? वजह बस एक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा है. और उसमें भी सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसका है? कार्बन मोनोऑक्साइड का. कहा जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा है. तो उस परिस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर गया, तो जिसके वजह से क्या कर देता है कि वो हीमोग्लोबिन के एक्शन को स्लो कर देता है. जहाँ जाना चाहिए था ऑक्सीजन, अब जैसे मान कर चलो कि कोई रिक्शा वाला है, उसको पैसेंजर को बैठाना था, पैसेंजर को बैठा लेगा तो रिक्शा वाला ईमानदारी से काफ़ी तेज़ रिक्शा को भगाएगा, आगे ले जाएगा. लेकिन पैसेंजर बैठने के बजाय कोई नेगेटिव आदमी बैठ गया, समझ लो ना मेरी बात, ऐसा आदमी बैठ गया जो रिक्शा वाले को पैसा नहीं देगा, उल्टा उसका नुकसान पहुँचा देगा, रिक्शा वाला क्या होगा? बीच रास्ते पर रिक्शा रोक देगा और बोलेगा आप उतरो यहाँ से. बात समझ लो ना, उसकी एक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज कर जाएगी ना. इसी को कहते हैं इनहिबिटर. इनहिबिटर का मतलब क्या हो गया? जो चीज़ों को इनहिबिट करे. इनहिबिट कहने का सेंस क्या? रोक दे. तो हीमोग्लोबिन के केस में ना कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड किसका काम करता है? इनहिबिटर का काम करता है. नहीं समझे आप?
वो इनहिबिट का काम करता है। इतना बात क्लियर हो गया, हम लोग आगे बढ़े क्या? तो इनहिबिटर का एक ही मतलब हुआ पॉइजन, मतलब जो एंजाइम कैटालिसिस को स्लो कर दे, जो एंजाइम कैटालिसिस को क्या कर दे, समझ में आ गया ना? जो वहां पर कैटालिसिस में पॉइजन था वो यहाँ पर एंजाइम के लिए क्या हो जाएगा, इनहिबिटर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? चलो तो अब हम लोग जरा देख लेते हैं प्रोमोटर, इंजाइम के लिए प्रोमोटर कौन होता है। याद रखिएगा, इंजाइम के लिए प्रोमोटर होता है कौन, कोफैक्टर। क्या कोफैक्टर? देखेंगे आप, फॉर इंजाइम हमारे एनसीईआरटी बुक में सारा बात दिया हुआ है, फॉर इंजाइम जो भी हम लिखा रहे हैं यहाँ पर, फॉर इंजाइम कोफैक्टर को, देखो कोफैक्टर कैसे लिखना है, कोफैक्टर हम लोग को ऐसे लिखना है, कोफैक्टर फॉर एंजाइम कोफैक्टर, फॉर एंजाइम कोफैक्टर एक्ट एज ए प्रोमोटर।